नमस्कार, मैं हूं आपका गुडल गुरु कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुडलक गुरु में। गुडलक गुरु में सबसे पहले बात करेंगे आज के गुडलक मंत्र की, वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाता है, आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है। और आज का गुडलक मंत्र बेहद बेहद और बेहद खास है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को सबसे विशेष पर्व महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में देवादिदेव महादेव सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। तो कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए आज का गुडलक मंत्र। आज का गुडलक मंत्र है ओम विश्वेश्वराय नमः, यानी कि विश्व के ईश्वर, और इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा गुडलक उपाय, दारिद्रता, गरीबी से मुक्ति पाने का विशेष उपाय। तो दारिद्रता से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चढ़ाएं या एक सिक्का चढ़ाएं, और ये चढ़ावा चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का सिक्का अपने तिजोरी में स्थापित कर दें और आप देखेंगे दारिद्रता स्वाहा। आज गुडलक स्पेशल में बात करेंगे महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। जी हाँ, आज दुर्भाग्य को पूरी तरीके से भगा देंगे, क्योंकि आज साल का सबसे बड़ा मुहूर्त है, आज महाशिवरात्रि है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग। तो आज दिन है शनिवार का, तारीख है 18 फरवरी 2023, फागुन कृष्ण त्रयोदशी पर चंद्रमा मकर राशि और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण, राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक का, भद्रा रहेगी रात को 8:02 से लेकर अगले दिन सुबह 6:10 तक। लेकिन यह पाताल की भद्रा है, इसका शुभ कार्य से कोई लेना देना नहीं है। जब भद्रा जो होती है पृथ्वी की होती है तब वो असर दिखाती है, तो भद्रा पाताल की है, इसमें सारे शुभ कार्य पूजा पाठ किए जा सकते हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, ये बन रहा है शाम को 5:42 से लेकर अगले दिन सुबह 6:56 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा, पूरे दिन वैसे तो शुभ मुहूर्त है, लेकिन जो शाम का पूजन करना चाहते हैं, विशेष तौर से दिन का पूजन करना चाहते हैं शिवरात्रि का, वो दोपहर 2:28 से लेकर शाम को 5:35 तक कर सकते हैं। विशेष क्या है, शनि प्रदोष भी है, महाशिवरात्रि भी है। अब प्रदोष काल का मुहूर्त क्या है वो जान लीजिए, ये विशेष मुहूर्त होता है शिव पूजन के लिए। तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त, जो शिव पूजन मुहूर्त है, वो है शाम को 6:13 से लेकर शाम को 7:49 तक। अब विशेष, सबसे विशेष, यह है निशिता काल मुहूर्त, जिसमें मूल महाशिवरात्रि का पूजन किया जाता है, ये आएगा रात को 12:09 से लेकर रात को 1 बजे तक का। यह खासम खास मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त। आज दिशाशूल जो रहेगा वो पूर्व दिशा में रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो उड़द के दाने जेब में रखकर घर से निकलें। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आज के राशिफल की, बताएंगे आपको 12 राशियों का राशिफल, बताएंगे आपको मेष से लेकर मीन राशि के जीवन का हाल, बताएंगे आपको राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, और राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। पहली राशि मेष, यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, आपके सभी काम आसानी से आज पूरे हो सकते हैं। अपने भविष्य के लिए कोई आप योजना बना सकते हैं। किसी काम में दोस्तों का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। कारोबार में किसी खास व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध भी आपके ठीक रह सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, शिवलिंग पर लाल चंदन और लाल फूल अर्पित करके ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। दूसरी राशि वृष, यानी कि टॉरस की बात करेंगे। वृष राशि वालों, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। करियर में तरक्की के बेहतर मौके मिल सकते हैं। कारोबार में वृद्धि के लिए आप योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेने होंगे। प्रिय लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, बस अपनी भाषा पर थोड़ा संयम बनाए रखें,
एक छोटा सा उपाय करें, शिवलिंग पर चमेली के फूलों को अर्पित करके रुद्राष्टक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाब। तीसरी राशि मिथुन यानी जेमिनी की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों, पहले से बनाई हुई योजनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। छात्रों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। ऑफिस में स्थिति ठीक बनी रह सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद की संभावना है। कुंवारों को शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। माता की सेहत की आपको चिंता रह सकती है। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करके शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। ओम नहीं लगाना है इसमें, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। या महाशिवरात्रि साल का सबसे बड़ा मुहूर्त और महाशिवरात्रि है संसार की उत्पत्ति का दिन। महाशिवरात्रि ही सभी ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव भी माना जाता है। महाशिवरात्रि के प्रदोष काल में ही, निशिता काल में ही सभी ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए थे और इसी दिन प्रदोष काल में शिव और शक्ति के संगम का भी मुहूर्त है। यह पर्व शंकर और पार्वती के विवाह का पर्व भी है, शिव और शक्ति के मिलन का पर्व भी है, पौरुष और प्रकृति के मिलन का पर्व भी है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से कैसे जागेगा भाग्य और कैसे भागेगा दुर्भाग्य। जीवन में खुशियों के प्रवेश के लिए शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम शम विश्वरूपाय अनादि अनामय शम ओम इस मंत्र का जाप करें। मानसिक एकाग्रता में वृद्धि के लिए महाशिवरात्रि पर निशिता काल मुहूर्त में दूध में मिश्री मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शिक्षा में सफलता के लिए महाशिवरात्रि के दिन 10 मुखी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित करवाकर गले में धारण करें। पूरी जानकारी देंगे आपको महाशिवरात्रि के महा उपायों के बारे में, लेकिन अभी बात करेंगे अगली 3 राशियों की। बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कैंसर की। कर्क राशि वालों, आपके जरूरी काम आज अधूरे रह सकते हैं। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर आपको लेने होंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल सकता है। घर में खुशियों का माहौल भी बना रह सकता है। सेहत भी आपकी ठीक रह सकती है। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, शिवलिंग पर भांग चढ़ाकर रुद्र अष्ट अध्यायी का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सिंह राशि वालों, आपका मन लेखन कार्यों में रह सकता है। पैसे के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। ऑफिस में विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार में सुख शांति हालांकि बनी रहेगी। महिला मित्रों का आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। चोट लगने के भी योग हैं, इसलिए सतर्क रहें। एक छोटा सा उपाय करें, शिवलिंग पर लाल कनेर के फूल अर्पित करके शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 6ठी राशि कन्या यानी वर्गो की बात करेंगे। कन्या राशि वालों, रिश्तों में मधुरता बनी रह सकती है। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रह सकती है। किसी काम में संतान से पूरा सहयोग मिल सकता है। दोस्तों की मदद से कारोबार में लाभ होने के योग हैं। अचानक लाभ की भी संभावना बन रही है। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। एक छोटा सा उपाय करें, शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाकर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। सुखी पारिवारिक जीवन के लिए महाशिवरात्रि पर निशिता काल में जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जीवन में तरक्की पाने के लिए महाशिवरात्रि के निशिता काल में दही में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आर्थिक हानि से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशिता काल मुहूर्त में शिवलिंग पर भांग चढ़ाएं। पूरी जानकारी देंगे आपको महाशिवरात्रि के महा उपायों के बारे में, लेकिन अभी बात करेंगे अगली 3 राशियों की। बात करेंगे 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की। तुला राशि वालों,
छात्रों के लिए दिन बेहतर रह सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। परिवार में किसी से मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। बनते हुए कामों में कुछ रुकावट भी आ सकती है, सामाजिक कामों में आप शामिल हो सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, शिवलिंग पर दही में मिश्री मिलाकर चढ़ाइए और शिव सहस्र नाम का पाठ कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, घरेलू कामों में आप व्यस्त रह सकते हैं। महिलाओं के लिए दिन बेहतरीन रह सकता है। रोजगार के उचित अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। संतान के कारण आप कुछ परेशान भी रह सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए, शिवलिंग पर लाल गुलाब के फूल चढ़ाकर ओम अंगोरिक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 9वीं राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे। धनु राशि वालों, आपका काम कम समय में पूरा हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं। कारोबारी फैसले से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने खर्चों पर बस थोड़ा सा नियंत्रण रखें, पारिवारिक विवाद की संभावना है। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, शिवलिंग पर केसर की खीर का भोग लगाकर श्री शिवाष्टक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। कारोबारी संकट दूर करने के लिए नारियल पर सिक्का रखकर उसे अपने सिर से वार कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दुर्घटनाओं से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में जायफल सिर से वार कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे आपको महाशिवरात्रि के महा उपायों के बारे में, लेकिन अभी बात करेंगे आखिरी 3 राशियों की। बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों, अपने गुस्से पर थोड़ा सा संयम रखें। किसी से सलाह लेकर ही धन निवेश करें तो बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने के योग हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। जीवन साथी की सेहत की चिंता रहेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिल सकता है। एक छोटा सा उपाय करें, शिवलिंग पर अष्टगंध चढ़ाएं, ओम पार्वती नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रह सकता है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रह सकता है। कुछ लोगों की राय कारगर साबित हो सकती है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। पार्टनर की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। और एक छोटा सा उपाय करें, शिवलिंग पर उड़द चढ़ाकर शिव अष्टाक्षरी मंत्र ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। मीन राशि वालों, करियर में तरक्की मिलने के योग हैं। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। किसी जरूरी सामान की आप खरीदारी कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। नए लोगों से संपर्क आपके लिए लाभदायक रह सकता है। हालांकि खर्चों में वृद्धि होने के योग जरूर है। बस एक छोटा सा उपाय करें, दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और भामेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। गुड लक स्पेशल में हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। आर्थिक सफलता के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में शिवलिंग पर कमलगट्टे चढ़ाकर तिजोरी में स्थापित करें। सर्वार्थ सफलता के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। नौकरी में सफलता के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में बेलपत्र पर केसर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूरी जानकारी आपको देंगे महाशिवरात्रि के महा उपायों के बारे में, लेकिन अभी समय है स्पेशल भविष्यफल का। वो भविष्यफल जो आपके बोलते हुए नाम पर आधारित है, आपके जन्म की तारीख पर आधारित है। शुरुआत इसकी हम करेंगे मूलांक के साथ। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ए, जे या एस से शुरू होता है। दिन नेगेटिव रह सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। किसी फ्रेंड की मदद से सफल रह सकते हैं आप। घरेलू जिम्मेदारी बढ़ सकती है। दाम्पत्य में तनाव रहने के योग हैं। कामकाज में सतर्क रहें। एक छोटा सा उपाय करें, शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। मूलांक 2 की बात करेंगे।
वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम बी के या टी से शुरू होता है, दिन खुशहाल रह सकता है, विरोधी शांत रह सकते हैं, आर्थिक पक्ष सुधरेगा, मनोरंजन का आनंद लेंगे, कार्य क्षेत्र में खास परिवर्तन आएंगे, जीवन साथी से मदद भी मिलेगी। उपाय ये करें कि शिवलिंग के आगे घी का दीपक जलाएं। मूलांक 3 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम सी एल या यू से शुरू होता है, दिन मिश्रित रहेगा, नए संबंध बन सकते हैं, नौकरी में बॉस की डांट फटकार लग सकती है, पेट दर्द की तकलीफ रह सकती है, जीवन साथी पूरा सहयोग कर सकता है आपको। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, शिवलिंग पर पीला चंदन चढ़ाएं। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। संतान की सुरक्षा के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में पानी में नाग केशर डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार हर शिवलिंग का अभिषेक जल से करें। बीमारियों से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में जलाभिषेक करते हुए ओम होम जुम सह स्त्रयाक्षरी मंत्र का जाप करें। बात करेंगे मूलांक 4 की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम डीएम या वी से शुरू होता है, दिन सफल रह सकता है, परिश्रम से कामकाज पूरे हो सकते हैं, कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, धर्म के प्रति मन में श्रद्धा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में बाधा से सामना होगा। एक छोटा सा उपाय करें, शिवालय में अलसी के तेल का दीपक जलाएं। मूलांक 5 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ENAW से शुरू होता है, दिन प्रभावशाली रहेगा, सहकर्मी मदद करेंगे, पार्टनर के प्रति अत्यधिक आकर्षण महसूस करेंगे, घरेलू समस्याएं परेशान करेंगी, आर्थिक समस्या का समाधान होगा। एक छोटा सा उपाय करें, शिवलिंग पर पान के पत्ते चढ़ाएं। मूलांक 6 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FOX से शुरू होता है, दिन रोगकारी रहेगा, त्वचा की समस्या से परेशान रहेंगे, कामकाज में मन नहीं लगेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, पुराने मित्रों के साथ में घूमने की योजना बनाएंगे। उपाय ये करें कि शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएं। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में 21 बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। परेशानियों से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में नंदी बाबा पर एक गाजर चढ़ाएं और उनके कान में अपनी समस्याएं कह दें, समस्याएं बिल्कुल खत्म होंगी। बाधाओं से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में शिवलिंग पर जौ और तिल चढ़ाएं। बात करेंगे मूलांक 7 की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है, दिन अच्छा रहेगा, जीवन साथी कार्य क्षेत्र में मदद देगा, सेहत के प्रति सतर्क रहें, खान पान पर काबू रखें, रुके हुए काम शुरू हो सकते हैं, माता पिता से मदद मिल सकती है। उपाय ये करें कि शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। मूलांक 8 की बात करें, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम HQX से शुरू होता है, दिन सामान्य रहेगा, लोग आकर्षित होंगे आपसे, नए मित्र बनेंगे, रिश्तेदार उन्नति में सहायक रहेंगे, साझेदारी में काम करने से बचें, कारोबारी यात्रा से लाभ होने के योग है। उपाय ये करें कि शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मूलांक 9 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है, दिन बेहतर रहेगा, दाम्पत्य मतभेद दूर होंगे, लोगों से सम्मान मिलेगा, मन में कोई भी भेदभाव न रहेगा, जीवन साथी के साथ में किसी मित्र की पार्टी में जाएंगे। उपाय ये करें कि शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाएं। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के खास उपायों से जागेगा भाग्य और भागेगा दुर्भाग्य। विवाह से अड़चने दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपार धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में ओम शम शिवाय शम ओम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्वगिरी से शिवलिंग के निमित्त हवन करें। आपदा से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि पर निशेताकाल में शिवलिंग के निमित्त 13 तेल के दीपक जलाकर ओम शम भवोद भवाय शम ओम नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप। अब बात करेंगे आज के गुडलक पर्व की, और आज का गुडलक पर्व जो है वो बेहद खास है, सबसे बड़ा साल का मुहूर्त है,
आज है महाशिवरात्रि और शनि प्रदोष। आज फागुन मास की प्रदोष व्यापनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के उपलक्ष में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार शिव ही संसार के सुखों का आधार है, सांसारिक इच्छाओं का मूल है, धन धान्य और ऐश्वर्यवान जीवन है। हर व्यक्ति के मन में धन संपन्नता और भौतिक सुखों को बटोरने का भाव आता है, जिसे पूरा करने के लिए वह धार्मिक उपाय चुनता है। अब जानते हैं साधारण पूजन विधि क्या है। देखिए, शिवरात्रि को प्रदोष काल में शिवलिंग को जल, दूध, बिल्वपत्र और सफेद आंकड़ा समर्पित करके, तत्पश्चात शिवलिंग पर धूप, दीप, गंध, पुष्प, दूध, अक्षत, धतूरा, बिल्वपत्र, नैवेद्य अर्पित करके पंचोपचार पूजन करें तथा चंदन की माला से इस विशेष मंत्र का एक माला जाप करें। पूजन के बाद नैवेद्य सभी में वितरित कर दें। विशेष मंत्र क्या है? ओम शीतिकंठाय नमः। विशेष उपाय आपके लिए, निरोगी काया की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करें। एक और विशेष उपाय आपके लिए, धन का अभाव से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए लाल चंदन से घर के मेन गेट पर श्रीम लिखें। तो दोस्तों, अब बात करेंगे क्या करें क्या ना करें कि ताकि आपको सफलता मिले और आप असफलता से कोसों दूर रहें। बात करेंगे सबसे पहले क्या करें। आज शिवालय जरूर जाएं और शिवालय में तेल का दीपक जलाएं, शिवलिंग पर नीले फूल चढ़ाएं, गरीब मेहनत कश मजदूरों को मूंगफली दान करें, अच्छे से घर की साफ सफाई करें। बर्तन, तिल ये खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा, नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा, दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब जानते हैं क्या ना करें। आज किसी को हीन भावना से ना देखें, खुद में सुस्ती ना आने दें, कामकाज से जी ना चुराएं, सफेद रंग के कपड़े ना पहने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें और नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।